तो हम लोग चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं इंस्टॉल करके बता रहा हूँ आपको। तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, और एक आपके पास कोई वाईफाई नेटवर्क हो या इथरनेट केबल हो उससे कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और अपडेट करना है सॉफ्टवेयर को। तो इधर आप अपना वाईफाई पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा एक बार जब वो कनेक्ट हो जाए तो। ओके, आ दिया है, तो अब कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको कौन सा नॉर्मल या मिनिमल, तो मैंने नॉर्मल किया है। और हम लोग को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी चाहिए जैसे ग्राफिक और वाईफाई के लिए, तो हम लोग उसको क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास इंस्टॉलेशन के तीन मेथड बताता है, या तो आप विंडोज के साथ साथ इंस्टॉल कर लीजिए, चाहे तो पूरा इंस्टॉल कर लीजिए उबंटू। तो अभी मैं पूरा इंस्टॉल करने वाला हूँ इस सिस्टम पे। तो ये बताएगा बाकी पार्टीशन डिलीट करने का, तो मैं इसको परमिशन ग्रांट कर देता हूँ और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये है, आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका नाम आप इनपुट कर दीजिए और आपके कंप्यूटर का नाम, और फिर आप पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप आराम से कहीं चले जाइए, या आधे घंटे के लिए टाइम लगने वाला है। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो आपको रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन की तरह से स्क्रीन पे एक डिटेल दिखाएगा, जिसमें आपको यूएसबी निकाल के एंटर दबाना है। तो उसमें लिखा है प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। तो आप यूएसबी निकाल दीजिए और फिर एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद सिस्टम आपका रिबूट होगा, और रिबूट होने के बाद आपको उबंटू पहली बार बूट होगा। तो इसमें वो पूरा इंस्टॉलेशन वापस से करेगा, यानी कि पहली बार पूरे फाइल चेक करेगा। तो इसमें भी टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें। तो ये बूट हो गया है, तो सबसे पहले एक पॉपअप आएगा ऑनलाइन अकाउंट का। तो आप चाहें तो इसमें साइन इन कर सकते हैं गूगल अकाउंट से, या माइक्रोसॉफ्ट या उबंटू का खुद का साइन अप कर सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो लाइव पैच सेटअप कर लीजिए। इसमें पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप एंटर कर दीजिएगा जो आपने स्टार्टिंग में सेव किया था। उसके बाद इसमें साइन इन और रजिस्टर बोलेगा, तो आप साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद मैं नहीं चाहता कि ये डिटेल सिस्टम कहीं और जाए, तो मैं नो पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप। उसके बाद प्राइवेसी के लिए आपकी लोकेशन पूछेगा, देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो मत दीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है टर्मिनल खोलना है, और आपको ये कमांड टाइप करना होगा sudo apt अपडेट का। तो इसलिए फिर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर एंटर की प्रेस कर दीजिए, और फिर आपका जितने भी सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह आए होंगे वो डाउनलोड करके दे देगा आपके डिवाइस पे। यानी उसके बाद आपको अपग्रेड करना होगा उन पैकेजेस पे, यानी कि आप उसको सिस्टम में डालना है। तो sudo apt अपग्रेड, ये सारे कमांड्स आपको अपडेट मतलब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा जितने भी नए होंगे। उसके बाद आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, और आपका उबंटू 20 पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।